जालना शहरातील शुभम विलाया अपार्टमेंट मध्ये मुख्य पिलर अचानक खचलाय, त्यामुळे अपार्टमेंट मध्ये राहणाऱ्या 60 नागरिकांचा जीव धोक्यात आलाय। 6 वर्षांपूर्वी बांधलेल्या इमारतीचे पिलर खचल्यामुळे रहिवासी नागरिकांमध्ये खळबळ उडाली आहे। पिलर खचल्याची माहिती मिळताच रहिवासी नागरिकांनी इमारतीबाहेर धाव घेत बिल्डिंगला जॉकचा सहारा दिलाय। जालना शहरातील शुभम विला या अपार्टमेंटचे मुख्य पिलर मध्यरात्री अचानक खचल्याने इमारतीमध्ये राहणाऱ्या 60 ते 70 रहिवाशांचा जीव टांगणीला लागला होता, त्यामुळे नागरिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात घबराटीचं वातावरण पसरलं होतं। ये पिलर गिर रहा है, आपको कब मालूम पड़ा? 2 दिन हो गए, हम परेशान है। पिलर कैसा ये हुआ था? उसको आप उसके वो प्लास्टर निकल गया और ऊपर है ना 5वीं मंजिल बन रही, 4थी मंजिल, 3 मंजिल हम रह रहे, 4थी मंजिल बन रही वापस। आप तो कितने लोग रहते हैं? कितने लोग रहते हैं? हम 12 है पूरे। 12 हम एक बिल्डिंग में 6 है और एक बिल्डिंग में 6 है। कितने लोग बिल्डिंग कितने हैं? बिल्डिंग 2 है, एक बिल्डिंग में 6 फैमिलीज है और सेकंड बिल्डिंग में 6 फैमिलीज है। तो अभी आपका किम्बरे को डर लग रहा है क्या? आपको डर तो ऑब्वियसली लग रहा है, पूरा पिलर हल गया, मतलब बेस ही हल गया ऐसा समझो, तो कोलैप्स कभी भी हो सकता है। कुछ गारंटी नहीं उसकी कि कब कोलैप्स होगा, क्या होगा, कुछ बोल नहीं सकते। नगर पालिका से कोई आया था क्या? नगर पालिका से आए थे ना। अच्छा, आप जिसने जिससे बिल्डिंग या फ्लैट खरीदी की है, हाँ, जो बिल्डर से लिए थे, उसका कोई आदमी आया था क्या? कोई पूछने को आया था क्या आपको? हाँ, आए थे ना। 3 मजली इमारत असलेल्या या बिल्डिंग वर बिल्डर कडून 4थ्या मजल्याचं काम सुरू असल्याची माहिती समोर येते आहे। घटनेची माहिती मिळताच नगरपालिका प्रशासन घटनास्थळी दाखल झालंय। याबाबत रहिवाशी नागरिकांनी बिल्डरला माहिती दिली असता बिल्डरने तुम्ही तुमचं बघा असा दम दिल्याचा आरोप येथील रहिवाशांनी केलाय। ये पार्टनरशिप में बनी है, ये रमेश भाई पटेल, जगदीश जी मिश्रा और सुशील शर्मा, ये तीनों है। और ये सब होने के बाद जैसा परसों रात में ये सब घटना घटी, तो उसके बाद हम रमेश भाई पटेल के पास भी गए, तो वो हमारी बात सुनने के जगह हमको ही बोल रहे हैं कि भाई आप अपना देख लो। अच्छा अच्छा, आप अपना देख लो और मैं अच्छे के लिए अच्छा हूँ, बुरे के लिए बुरा हूँ। ये शब्द आज के टाइम पे, ये टाइम पे बोलने की ज़रूरत नहीं थी। और हम उनसे कोऑपरेटिव कर रहे थे, अभी तक वो जैसा बोल रहे वैसे हम सुन रहे थे। उन्होंने बोला कि भैया आप दूसरी जगह जाके रह लो, हम ठीक है, हम मान गए, वो सब चीज़ों के लिए मान गए, लेकिन जब बात कहाँ जाएंगे वो वहाँ उसके लिए आई, तो फिर उन्होंने ऐसा हमको जवाब दे दिया। यहाँ पर जो बिल्डिंग बना है वो बिल्डर आए थे क्या आपके पास? हाँ, बिल्डर आके गए। क्या बोले उन्होंने? बस सपोर्टिंग के लिए और पिलर्स लगा देते बोले तो हो जाएंगे। उतना ही? हाँ। आप नगर पालिका या कोई प्रशासन की तरफ से कोई आया था क्या? हाँ, वो आके गए, उन्होंने बोले कि तुरंत सोसाइटी खाली कर दो। उन्होंने आदेश दे दिए? हाँ, आदेश दे दिए उन्होंने कि पूरी सोसाइटी खाली कर दो। हमारे इतने छोटे छोटे बच्चे, क्या करना, हमने बहुत ज्यादा डर लग रहा है। ये कितने दिन से चालू हुई है? 3 दिन से। हम रात भर 2 दिन से सोए नहीं, जाग कर निकाल रहे हैं हम रात भर नीचे बैठ के कंपाउंड में। जालना हूँ सुयोग खरडेकर, MCN News, जालना।